दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी लाल बटन पर क्लिक करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। और जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया है, उनका धन्यवाद। इससे पहले मैंने आपको संधि का प्रकार और दीर्घ संधि के बारे में बताया था। आज मैं आपको गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुण संधि ए, ओ और अ, इसमें देखा जा सकता है। गुण संधि, गुण संधि में ए, ओ अर देखने को मिलता है, जैसे नर और इंद्र मिलकर नरेंद्र बन जाता है। जैसे पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ई, अ और ई मिलकर ए बन गया है, नरेंद्र। सूर्य उदय, सूर्य का अंतिम वर्ण अ और उदय का पहला वर्ण उ मिलकर ओ बन गया है, सूर्य उदय, सूर्योदय। देव योग ऋषि, देवर्षि, अ और रि मिलकर अर बन गया है, इसलिए यह गुण संधि है। भारत योग इंदु, भारतेंदु, अ और ई मिलकर ए बन गया है। महा योग उत्सव, महोत्सव, आ और उ मिलकर ओ बन गया है। सप्त ऋषि, सप्तर्षि, अ और रि मिलकर अर बन जाए तो गुण संधि कहलाता है। गुण संधि में ए, ओ और अर देखने को मिलता है। आइए हम जानते हैं वृद्धि संधि के बारे में। इसमें हमें ए और अ देखने को मिलता है। वृद्धि संधि में ए और अ पाया जाता है, जैसे एक और एक। इसमें पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए, अ और ए मिलकर ए बन गया है। एक और एक मिलकर एक एक बन गया है। महा आ और ए ऐश्वर, महायोग ऐश्वर, महेश्वर, आ और योग ए मिलकर ए बन गया है। महायोग औदार्य, महोदार्य, इसमें पहला शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ मिलकर औ बन गया है। परम ओज, परम पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण अ, दूसरा शब्द का पहला वर्ण ओ और ओ मिलकर औ, परमौज, परम ओज, परमौज बन गया है। वृद्धि संधि में ए और ओ बन जाता है। आइए हम जानते हैं यण संधि के बारे में। इसमें ई को य, उ को व और रि को र कर दिया जाता है। अति पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण ई और दूसरा शब्द अधिक का पहला वर्ण अ, ई और अ मिलकर य बनकर अत्यधिक बन गया है। अति ई और आचार, आचार में आ, ई और आ मिलकर या बनकर अत्याचार बन गया है। स्वच्छ सुयोग अच्छ, स्वच्छ, उ और अ मिलकर व बन गया है। अनुयोग एषण, अनुवेषण,
उ और ए मिलकर वे बन गया है। यण संधि में ई य बन जाता है, उ व री और र बनकर यण संधि बन जाता है। आइए हम जानते हैं अयादि संधि के बारे में। इसमें हमें देखा जा सकता है अय, आय, आई, अव, आव, अवि, ने, अन मिलकर, ने और योग अन मिलकर नयन बन गया है। इसमें ए और अ आई हो गया। गै योग इका गायिका, ए और ई मिलकर गायिक गायिका बन गया है। पौ योग अन पावन, औ और अ मिलकर आव बन गया है। पो योग इत्र पवित्र, ओ योग ई मिलकर अवि बन गया है। अयादि संधि में अय, आय, अव, आव, अवि ये सब देखा जाता है। आज हमने गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि के बारे में जाना। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।